मुंबई से हैं श्याम जी, स्वागत है आपका। लग गया लगवा। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए मैडम। बताएं सर, सवाल करें। हाँ जरा हकीम साहब से बात हो सकती है? बात हो रही है श्याम जी, आपका स्वागत है। जय हिंद हाँ सर, सर बहुत दिन से कोशिश कर रहा था, फोन नहीं लग रहा था आपको, जी। तो मैंने आपका पहले दो बार ये मंगाया हुआ है, क्या नाम से, हकीम सुल है ये अपना, जैतून का नमक, तो लिया, काफी हमको आराम हुआ उससे, कब्ज वगैरह में, पाइप्स भी आता उसमें भी आराम है, जी। और वापस मंगाने वाला हूँ। तो और दूसरा सर एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि कश्मीर गए हुए थे तो उनको बहुत हेमरेज हो गया था, ब्रेन हेमरेज, तो मैंने उसके पहले मैंने आपका दवा एक गोंसिया मंगाया हुआ था, उनके पैरों में दर्द रहता है, तो वो गोंसिया मंगा लिया और उसके 2-3 के बाद उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो मैंने वो गोंसिया दिया नहीं है, तो उनको अभी ऑपरेशन हो चुका है, मतलब करीब 5 महीने हो गए, दिया जा सकता है क्या? ठीक ठीक। जी। हाँ देखिए, गौन हाँ सर सिया उन्हें जी आप दे सकते हैं, एक खुराक रोजाना आधा ग्राम के रूप में, और वेस्टर्न टॉयलेट उन्हें इस्तेमाल कराइए। और एक बात याद रखें कि जिनको भी फालिज या ब्रेन हेमरेज होता है, उनको फिर से होता है, तो फिर से ना हो और ना ब्लड प्रेशर बढ़े। ब्रेन हेमरेज, ब्लड प्रेशर बढ़ने से दिमाग की एक नर्व फटने को कहते हैं, नस को फट जाने को कहते हैं। वो तो भगवान का उन पर रहम है कि वो जिंदा हैं, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आप नमक जैतून इस्तेमाल करते हैं, यही नमक जैतून एक चुटकी और एक चुटकी खाने का सोडा, जो आपके किचन में मीठा सोडा होता है, वो एक चुटकी सोडा और एक चुटकी नमक जैतून 1 गिलास पानी में मिला के दिन में एक बार या दो बार उन्हें ज़रूर पिलाया करें, ताकि ये नौबत दोबारा ना आए। और गौनसिया आधा ग्राम रोज़ उन्हें दीजिए फिलहाल, और 6-7 महीने तक दीजिए, तब उन्हें फ़ायदा मुमकिन है। जी। दिल्ली से हैं दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद, स्वागत देवती जी की। जी भाई साहब, सुबह तो उन बहन की तबीयत ज्यादा खराब हो रही थी, फिर भी वे आ गई और बहुत अच्छे से, आप भी की तबीयत थोड़ी ढीली लग रही थी, फिर भी आप प्रॉपर आते हो सबके लिए और सबको नुस्खा बताते हो और सब कितने अच्छा फायदा उठा रहे हैं और सब कितनी दुआ देते हैं, ऐसे बोलते हैं ठीक हो गया कि हम तो ठीक हो गई, हमारी उम्र भी आपके हकीम साहब को लग जा रहा है, हमारी तरफ से बोलना जी। बहुत अच्छे से फायदा हो रहा है। और एक भाई साहब थे, उन्होंने गोंसिया लिया तो वे ना ठंडा पानी पी रहे थे, अभी कह रहे 20-25 दिन हो गया, तो मेरे को बैठे को तो दर्द नहीं होता और खड़ा होकर चलता हूँ तो तकलीफ होती है, तो मैंने उनको आपकी तरह पकड़ लिया, मैं बोलिया तो आप लस्सी पीते होंगे या दही खाते होंगे, बोले वो तो नहीं खाता मैं, मगर ठंडा फ्रिज का पानी पीते होंगे, फिर तो कह रहे हाँ फ्रिज का ठंडा पानी पी लेता हूँ, मगर तभी तो आपको कमर आम है, तो कह रहे ऐसे कैसे मतलब आपको पता चल गया, मगर इसलिए पता चल गया ना कि आपको इतना आराम है कि बैठे नहीं हो रहा और चलते हो, जब तकलीफ हो रही है वैसे आपको आराम लग रहा है, तो आप जी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो, झाड़ू पोछा तो आप कर नहीं सकते, ठंडा पानी पी सकते हो, तो बहुत ऐसे फिर बोले आज से मैं कान पकड़ू और मैं ठंडा पानी नहीं पीऊंगा, तो खूब पकड़े हैं जी। और भाई साहब तो सचमुच क्या पूछोगे आप, लोग इतने अच्छे ठीक हो रहे हैं, बहुत अच्छे फायदा, और कि जिसको ना कालजे में दर्द था, कालजे में दर्द होया रहता है, किसी एक बच्ची है 22 साल की और भूख नहीं लगती, उनको उल्टियां पड़ती है, तो उनके लिए मैंने 6 चीजों का चूर्ण और नमक जैतून दिया है और सिरका भी दिया, मगा ये भी पी लोगे तो और अच्छा रहेगा, तो ये बता दो नुस्खा ठीक है जो आप हाँ भरोगे,
मैंने दे दिया मतलब, पर मैं अपनी जानकारी के लिए आपसे पूछती रहती हूँ कि ये सही है। ये बिल्कुल सही दिया है। और भूख ना लगना एक बड़ी बीमारी है जो बहुत छोटी नज़र आती है, और वो भी यंग बच्ची के, 22 साल की बच्ची को भूख नहीं लगती, तो जाहिर है कि पेट में और लीवर में प्रॉब्लम है। तो पेट के लिए तो आपने 6 चीज़ों का चूर्ण दे दिया, और लीवर के लिए नमक, जैतून और सिरका बस काफ़ी है। इंतज़ार करिए पूरी तरह फ़ायदा होने का, और बहुत जल्दी इस बच्ची का अच्छा होना मुमकिन है जी। कोई और सवाल दयावती जी आपका? सवाल तो नहीं है, बस जानकारी लेती हूँ भाई से कि ये नुस्खा ठीक दिया है या गलत दिया है। और भाई साहब जिसका लीवर खराब है उनके भी नमक जैतून और सिरका चलेगा, और कुटकी का चूर्ण बना के दे दूं तो उनकी ऊपर है 70-75 ठीक है। उनका लीवर बहुत ज्यादा खराब है, मतलब सूख गया, पेट सूख गया उनको, मतलब कब्ज बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, ये भी बता दो। हाँ देखिए, काफी बड़ी प्रॉब्लम और उम्र भी काफी है, तो एलोपैथ भी इलाज करते रहे अपने डॉक्टरों का, और ये जो नुस्खा आप दे रहे हैं उनको बहुत अच्छा कर रहे हैं। ज़रूर दीजिए ये नुस्खा, ये बहुत राहत देता है, और एलोपैथ इलाज भी करना लाजिम है। ये लीवर ठीक होता है पेट ठीक होने से, और एलोपैथ में कोई भी डॉक्टर लीवर का होता ही नहीं है। इसके डॉक्टर गैस्ट्रोलॉजिस्ट कहलाते हैं जो पेट का इलाज करते हैं, तो उनकी हिदायत पर सब अमल करिए और ये नुस्खा उनको देते रहिए। थोड़ा इंतज़ार करें, 2-3 महीने भी लग सकते हैं जी। दिव्या ग्रेटर नोएडा से स्वागत है आपका। हाँ जी मैम नमस्ते। जी नमस्कार मैम। वीर जी नमस्ते। जय हिंद, स्वागत। मैंने आपसे 2-3 दिन पहले पूछा था अपनी भांजी के बारे में जी, किसी ने बताया था कि नलों में सूजन है, तो वीर जी ने बताया था कि उनको नमक जैतून का पानी और बेल का मुरब्बा देना है। अब उसके साथ साथ उसकी ये प्रॉब्लम है, एक तो उसे कब्ज बहुत रहती है और एक जो डेट आती है ना, आती तो पूरा हंसता है लेकिन फ्लो बहुत कम हो गया। ठीक, हाँ देखिए, डेट आए और ब्लीडिंग हो तो ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा फ्लो हो, बहुत ज़्यादा खून आए, ये ज़रूरी नहीं है। ब्लड ज़्यादा आए ये ज़रूरी नहीं है, अगर एक कतरा भी आता है तो काफ़ी है। आदमी की शक्ति और ब्लड के हिसाब से ही ब्लीडिंग होती है, तो एक कतरा भी आए और वक्त पर आए तो काफ़ी है, इसे कोई रोग नहीं कहा जा सकता। खून की कमी हो तो खून की जांच करा लें, खून का जरिया बनाएं, और कब्ज ज़रूर होता है। ये जो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, 6 चीज़ों का चूर्ण अक्सर बताता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, अलसी का दाना, इन सबको 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना के 1-1 चम्मच सुबह शाम खिलाएं। और बहुत ही कब्ज हो अगर तो एलोपैथिक दवाएं भी साथ में ले सकते हैं, सिर्फ इस इलाज पर निर्भर ना रहें। ये देर में जाके आपको दुरुस्त कर देगा, आपके सिस्टम को अच्छा करेगा, ये तो देते रहे। और अरंडी का तेल आता है जिसे कैस्ट्रोल ऑयल कहते हैं, मेडिकल स्टोर पर मिलता है, 1 चम्मच छोटा चाय का चम्मच भर के, और गरम दूध हो चाहे 1 कप ही हो, गरम हो, उसमें डाल के रोज़ाना 1 बार या 2 बार पिलाएं। और एलोपैथिक दवाएं भी ले सकते हैं, आंतों में बहुत खुश्की है, धीरे धीरे उसमें खुश्की जाएगी और बच्ची का ठीक होना मुमकिन है
जी। आफरीन जी स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वाले सलाम। आप बहुत दुबले हो गए थे सर। हाँ, दुबला भी हो गया, बीमार भी हो गया, बुढ़ा भी हो गया। नहीं, बुढ़े तो नहीं है आप, किस्मत है आज भी, लेकिन आप तबीयत नहीं ठीक है तो थोड़ा फर्क हो जाता है वो है। हाँ देखिए, बहुत दिन से शूट नहीं हो पा रहे थे, तो मैं हूँ या कभी ये भी बीमार पड़ जाती है हमारी शैलजा, कभी आजकल वो भी बीमार चल रही हैं। अच्छा। शगुफ्ता, तो ज़रा सी भी तबीयत ठीक होती है तो हम चाहते हैं कि हम आपसे जुड़ जाएं और पुरानी शिकायतें कम हो जाएं। जी हम आप तीनों के लिए दुआ करते हैं कि बस सही रहें, खुश रहें, सलामत रहें। शुक्रिया। हजी सर, हमें ये जानना था, कल आप पुराना रिपीट आपका वैसे भी देखते ही हैं, उसी में देख रहे थे, तो आपने किसी कॉलर को बताया था दूध और खसखस का कुछ नुस्खा बताया था, दिमाग की कमजोरी में भी मतलब है, तो उसको से पकाया जाएगा, क्या है और नुस्खा कैसे बनेगा नहीं पता, मतलब अब आपसे पूछ रहे हैं, उसको खीर बना के आपने बताया था, सिर्फ बनाया जाएगा, क्या है वो, कैसे बनेगा। उर्दू चैनल पे आपने बताया था, शगुफ्ता मैम के साथ थे, और वो कैसे बनेगा, और आपके लिए एक शायरी है, अर्ज करें। इरशाद, इरशाद। जी, मिली हयात ही ऐसी कि हया भी रो पड़ी है, तेरी तलाश में जालिम सजा भी रो पड़ी है। वाह। तुझे टूट कर चाह और चाहा इतना, तेरी वफा की खातिर वफा भी रो पड़ी। वाह वाह। मेरा नसीब, मेरी किस्मत, मेरा मुकद्दर, बिना तू तुझे मांगते मांगते दुआ भी रो पड़ी। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत कोशिश की है, वाह जी। और आपके इंतजार में हमारे चैनल की हवा भी रो पड़ी है, और बहुत मेहनत की है आपने इसमें, मैं जानता हूँ कि आपके लिए बहुत मेहनत होगी इसमें, मेरे लिए शायरी करना बहुत आसान हो गया क्योंकि मैं तकरीबन 45 साल से शायरी कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी शायरी करना आप जैसे लोगों के लिए बहुत मेहनत का काम है, बहुत मुबारक आप शेर कहने लगे। और वो जो नुस्खा आप जानना चाहते हैं वो ये है कि तकरीबन 100 ग्राम खशखाश और 1 लीटर दूध, ये रेशो है। इसको या तो खशखाश को पका लें या पीस लें, पाउडर बना लें और इसको उस दूध में डाल दें, या साबुत भी डाल सकते हैं, साबुत डालने में ज़रा यह है कि मुश्किल से गलती है, तो दूध को हल्की आंच पर पकाते रहें और ऐसे पकाएं कि जब हम उसे पकाते रहते हैं तो वो खोया बन जाता है, खोया जिसे मावा कहते हैं, रंगी को नारंगी कहें और बने दूध को खोया, वो है ना शेर, तो वो खोया बन जाएगा यानी मावा बन जाएगा जिससे मिठाइयाँ बनती हैं। तो इस रेशो से आपको बनाना है, तकरीबन ये 600 ग्राम रह जाता है, तो उसका 1 चम्मच एक बार खाना चाहिए, रात को सोते वक्त 1 छोटा चाय का चम्मच इस खोए को खाया जाए, तो ये बला का मुकव्वी यानी ताकतवर है, दिमाग की ताकत के लिए। और इसमें लोग ये भी करते हैं कि ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के काट के मिला लेते हैं,
बादाम है, पिस्ते हैं, काजू है, ये भी मिलाकर, या उसके साथ ही पीस कर डाल देते हैं जो वो मिक्स हो जाते हैं। तो एक चम्मच खुराक है, दिमाग की खुराक है, आप भी ले सकते हैं। पुरुषेत्र से सुधा जी, स्वागत है आपका। हमारी बेटी, हमारी जान और हमारे मसीहा, आप दोनों को हमारा 1000 प्यार भरा सलाम। सलाम सलाम सलामत रहे। सर ये बताइए, आबू कैसी है? अच्छा हाँ आबू, अरे उसको बुखार हो गया था और वो उतर तो जल्दी गया, और वो नाजुक बहुत है, और एक दो दिन उसकी छुट्टी करा दी तो और खुश हो गई। बच्चों को तो ऐसी छुट्टी का बहाना चाहिए जिसके दादाजी इतने प्यारे हो, भला वो ठीक कैसे नहीं होगी। बिल्कुल सर, कहना चाहूंगी आपके आशीर्वाद से कम 1000 लोग ठीक हो गए जिनको मैंने दवाइयां दी। जिन रोजाना 2-3 पेशेंट्स मेरे पास आ जाते हैं अपने इलाज के लिए, पता नहीं उनको कहाँ से पता चल जाता है मेरा नंबर, कहाँ से उनको पता नहीं मेरे को, लेकिन 2-3 फोन रोज आ जाते हैं कि आप हमें नुस्खा बताइए, दवाई बताइए, आप वकील साहब के साथ जुड़ी हैं, बात करती हैं, तो उनको बताती हूँ। ये सब आपके आशीर्वाद से हो रहा है सर, वरना मेरी कोई औकात नहीं थी मैं इतने लोगों को ठीक कर पाती। आपकी वजह से मुझे भी दवाएं बहुत मिल रही हैं सर, कहते तो आप हैं, दुआ के पात्र में हो जाती हैं आपके कारण। सर मेरा एक सवाल भी है और कुछ कहना भी चाहूंगे जी। सर आकाश बेल जो होती है वो किन किन चीजों में फायदा करती है? सुना है बालों में भी अच्छा करती है, उससे बाल अगर धोए जाएं। तो एक बार मैं जा रही थी तो मैंने देखा पेड़ पे बेल लगी हुई थी, बहुत साल पुरानी बात है, मुझे बड़ी अच्छी लगी, लाइट मतलब ग्रीन ग्रीन सी पत्ती पत्ती सेवियां सी होती, मैंने ला के अपने पेड़ों पर डाल दी। तो अगले दिन माली आया, कहने लगा ये तुमने क्या कर दिया बीबी जी, ये तो सारे पेड़ों से जो है ना इनकी अपनी तो कोई होती नहीं है जड़, और इनकी जो है ना खुराक यही पेड़ों से ले लेंगे, सारे पेड़ खराब हो जाएंगे। क्योंकि चीकू अनार वगैरह के इस तरह के पेड़ थे, मुझे अच्छी लगी थी, मैंने डाल दी, बढ़ती भी गई वो बहुत ज्यादा। और उसने उतार के फेंक दी। और मुझे किसी ने बताया था कि इससे बाल दो तो बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो सर एक तो ये बताइए इसके फायदे मतलब क्या क्या है और कुछ कर सके जी, अर्ज है आपकी नजर। खुदा की मर्जी के आगे खुदा का दम भर के तो देख, तर्क से मिलता नहीं अर्ज करके ही तू देख, बे इरादा मरने वाले वो इरादा करके देख, सारे अब तमाशे कर चुका ये भी तमाशा करके देख, वाह जिंदगी बन जाएगी तेरे लिए आबे हयात, वाह उनको अपना बना कर तो देख, उनको अपना करके तो देख। बहुत खुदा जब तेरा है तो सारी कायनात तेरी है, जिंदगी में मरने वाले जिंदगी पे मर के तो देख। क्या बात है, खुदा तेरा हकीकी है, हकीकी मतलब रियल, खुदा तेरा हकीकी है, सनम मेरा ख्याली है, खुदा तेरा हकीकी है, सनम मेरा ख्याली है, सनम मैंने नहीं देखा, खुदा तूने नहीं देखा। बहुत कोशिश हो रही है, अब तो ऐसा लग रहा है सब लोग शायर हो जाएंगे। और सुधा जी एक आपने 1000 मरीज अच्छे कर दिए, तो मेरे जहन में ख्याल आ रहा है कि ये शैलजा किसी दिन आपकी फिर मेहमान होंगी, अगर आप उन सब के नंबर कांटेक्ट रखिए और उनको बताइए कि उनका इंटरव्यू हो सकता है, शैलजा से मैं कहूँगा बाद में जी। कि अगर वहाँ पर इंटरव्यू हो सके तो शैलजा फिर से आपके दर पर दस्तक देंगी, आपसे मुलाकात भी हो जाएगी और उन लोगों के इंटरव्यू, शैलजा को बहुत ज़रूरत है इंटरव्यू, कम से कम 100 इंटरव्यू की, तो जितने भी आप दिला सकें शैलजा आपको कॉल करेंगे और
फिर प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल हकीम साहब, सवाल है आकाश बेल का बाल। हाँ देखिए, ये दुनिया की अजीब बेल है जिसे आकाश बेल कहते हैं, और कुदरत ने, भगवान ने भी क्या क्या बनाया है कि इसकी कोई जड़ नहीं होती, इसके पे कोई पत्ता नहीं आता, इस पे कोई फल नहीं आता, बस सिवैयें सी पीली पीली सी, थोड़ी सी हल्की हरी पीली लिए हुए, ये शैलजा के सूट जैसा होती है तकरीबन, और जिस पेड़ पे डाल दो उससे लिंक कर लेती है और ये बढ़ने लगती है, और इतनी बढ़ती है कि पूरे पेड़ को ख़त्म कर देती है, उसके पत्ते वत्ते सब, उसे पेड़ को ही खा जाती है, लेकिन इसका जड़ कहीं नहीं, फुलक कहीं नहीं, पत्ता कहीं नहीं, फल कहीं नहीं, ये कुदरत का करिश्मा है। और गांवों में तो किसी किसान से दुश्मनी में उसके पेड़ पर कोई डाल जाता है और वो इतनी बढ़ती है कि पेड़ को सांस ही नहीं लेने देती, और ये वाकई है बालों के लिए। इसको इंटरनल और एक्सटर्नल यानी बाहरी और अंदरूनी इस्तेमाल किया जा सकता है जी। और बालों के लिए वो जो नुस्खा बनाते हैं बालों के लिए, जो नुस्खा मैं बताता हूँ ना, छोटी हरड़ हरड़ बहेड़ा आंवला शिकाकाई रीठा का वाला नुस्खा जो बाल धोने के लिए है, उसमें ये भी उसके हम वजन मिलाकर पीसकर और इस्तेमाल की जा सकती है बाहरी इस्तेमाल के लिए। अंदरूनी इस्तेमाल इसका यह है कि किसी को बहुत ज़्यादा बालों की प्रॉब्लम हो तो एक चुटकी इसका पाउडर खाया जा सकता है, और नमक जैतून एक चुटकी के साथ, तो ये अंदरूनी फ़ायदा बहुत करती है। हालांकि लोग इसे पहचानते नहीं हैं, और पढ़े लिखों के लिए अब इसकी पहचान मुश्किल नहीं है, वो मोबाइल में सर्च करो तो समझ में आ जाती है, तो अब पढ़े लिखे लोग हैं और इस पर भी ज़्यादा जानकारी है तो वो लोग समझ सकते हैं, एक चुटकी इस्तेमाल करते हैं। तो ये दिमाग के लिए, बालों के लिए और आँखों के लिए एक चुटकी इस्तेमाल होती है, दिन में एक बार या दो बार नमक जैतून के पानी से इस्तेमाल करना चाहिए जी। अम्बाला से नवनीत जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम जी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। जय हिंद अम्बाला वालों, स्वागत है आपका। सर मैंने ना कल भी कॉल किया था, तो जब मेरा सेकंड सवाल था ना, मैं अपने साथ के लिए पूछा था मैंने सर। ये जो गिल्टी हुई है ना, ये जो गर्दन के नीचे है ना सर हड्डी, यहाँ पे एक साइड में हुई है, हड्डी बड़ी हुई है यहाँ पे जी, और उसके लिए तो आपने सर जो बताया था एक चुटकी सोडा और एक और चीज बताई थी सर आपने, वो बच्चे के लिए बता दिया था सर आपने, मैंने सास के लिए क्वेश्चन किया था सर। और दूसरा ये है कि जो मोटापे के लिए दवाई बोली थी सर मैंने कल आपसे, वो कभी लेनी है और कैसे यूज करनी है? किस चीज के लिए दवाई ले रही? मैम मोटापे के लिए बोला था सर को, क्योंकि हमने एक नुस्खा बनाया ना, मेथी वाला पूछा था मैम। अच्छा, अच्छा। मेथी डाल सकते हैं। ठीक है, तो हाँ। सर ने तो हमें ये पूछना था कि वो कितनी लेनी है और कैसे यूज करनी है, कैसे तो खानी है। ठीक है जी जी। देखिए वो नुस्खा आप बना लें और उसमें मेथी डाल सकते हैं, और अगर वो नुस्खा ये है कि सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, तो मेथी तो उसमें होती ही है, तो नमक जैतून के पानी से लेना है, एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा, इस पानी से लेना है जो नुस्खा है। और क्या सवाल है? कब कब लेना है? और हकीम साहब, हाँ दो बार ले सकते हैं दिन में। ठीक है, और गिल्टी बताई है उन्होंने सांस के गर्दन के पास। हाँ देखिए, गिल्टी के लिए बहुत सारे नुस्खे हैं, लेकिन उसमें सबसे अहम चीज़
चीज़ जो है वो एक चुटकी खाने का सोडा, एक चुटकी नमक जैतून है, ये पानी में डालें और दो चुटकी ज़ीरा खाकर ये पानी पी लिया करें। दिन में दो बार ये इस्तेमाल किया जा सकता है। जी सलमा, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर, मेरे दो सवाल हैं। बोलिए। पहला सवाल तो है, मेरे नमक जैतून ले रही थी मैं, एक डब्बा खत्म हुआ मैडम। हाँ मैं एक ये ले रही हूँ और मैं नमक चिलगोले का गोल भी ले रही हूँ रात में। ये सब कुछ ले रही हूँ लेकिन मेरे कल तकलीफ बहुत हो रही थी मैडम, मेरे सीने में तकलीफ बहुत हो रही थी, उसकी वजह से बहुत तकलीफ हो रही थी, गर्दन में हो रही थी और गले में भी हो रही थी तकलीफ, सीने में बहुत जाम हुआ था, बलगम भी ज्यादा है मैडम लेकिन सीने में तकलीफ ज्यादा हो रही थी। मैं उसके लिए मैं अदरक का पानी पी तो थोड़ा रिलीफ हुआ मुझे रात में, अदरक का पानी पी के सिल्वर का गोंद लेकर सो रही थी मैं, थोड़ा रिलीफ है लेकिन मैं एकदम एक महीने के बाद दो महीने के बाद तकलीफ बहुत होती है मैडम, मुझे एकदम गुर्जा जैसा होता है, पवा होता में दम में जैसा होता मैडम, ऐसी तकलीफ होती है लेकिन मैं सब कराई हूँ, रिपोर्ट सब नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है लेकिन मुझे तकलीफ ही ज्यादा होती है। अच्छा सलमा जी, एक बात बताइए, सीने में जलन, सीने में तकलीफ ज्यादा? हाँ तकलीफ होती है, नमक जैतून एक डब्बा खत्म हुआ मेरे। अच्छा बलगम भी आता है आपको? हाँ बलगम भी आता है, कभी भी बलगम आता है। और दर्द कहाँ होता है? दर्द सीने या दाएं तरफ नीचे होता है मैडम, तकलीफ सीने के नीचे और हाथ के नीचे, यहाँ सीधी तरफ? हाँ सीधे तरफ नहीं, दाएं तरफ होता है मुझे तकलीफ। और दाएं तो हाथ सीधे को ही कहते हैं? हाँ बाएं तरफ होता है, बाएं तरफ। अच्छा अच्छा ठीक है, नीचे हाँ नीचे तकलीफ होती है, लेकिन बीच में भी तकलीफ होती है, वहाँ भी तकलीफ होती है, एकदम सर चकरा जाता है रात में। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 29 में, लेकिन सब कुछ कराए लेकिन नॉर्मल है लेकिन मुझे तकलीफ ही नहीं कम हो रही है। ठीक है, जो देखिए पेट की बीमारियों के जो इलाज हैं उनमें एक बहुत बड़ी भूमिका है सोनोग्राफी की, और वो सब आपने टेस्ट तो कराई लिए तो बज़ाहिर आपको कोई रोग नहीं है, लेकिन बातिन में यानी छुपे हुए रोग में जब कोई रोग नज़र नहीं आए तो समझ लेना चाहिए कि हमारे जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उन पर थोड़ी सूजन है या वर्म है। और अक्सर देखिए लीवर हमारा यहाँ होता है सीधी साइड में, और एक उसका टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक आता है और यहाँ तिल्ली होती है, तो जब हमारी तिल्ली बढ़ जाती है तो ये प्रॉब्लम होती है जैसे आपको हो रही है जी। तो इसके लिए जो भी दवाएं ऐसी हैं जो हमारा वर्म दूर करती हैं, सूजन दूर करती हैं, वो लेनी चाहिए। और ये जो आप दवाएं ले रहे हैं ये भी सूजन कम करती हैं बहुत तेज़ी से, तो कुछ ज़्यादा तेज़ मसाले इस्तेमाल ना करें और ये नुस्खा इस्तेमाल करें, और चाहें तो एलोपैथिक अद्वियात भी इसके साथ ले सकते हैं, जैसे कभी आपको बहुत तेज़ी से कुछ परेशानी पेट में सीने में तो कुछ एसिडिटी की गोलियां रखिए और वो फौरी तौर पर ले लिया करिए, और ये लगातार 2-3 महीने लें साथ में, और अगर आपको मिल जाए ये बेल का मुरब्बा, पत्थर बेल का मुरब्बा, तो ये भी आधा और एक या एक पीस रोजाना खाना बेहतर है। जी दिल्ली से हैं रजनी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। जय हिंद रजनी जी, स्वागत है आपका। सर मैंने ना आपसे कुछ दिन पहले बात करी थी तो मेरे को आपने जैतून नमक और अलसी और ये क्या बोलते हैं धनिया और ये सौंफ इसको इसका सारा चूर्ण मिला के आपने मेरे को कहा था कि गोंद इससे जैतून नमक से लेना, ठीक है सर? तो सर मैंने वो मंगवा लिया है
मेरे को एक प्रॉब्लम और बतानी थी, मेरे को नसों की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा सूजन है उनमें और दर्द है और पैरों में भी बहुत दर्द है, मैं चल नहीं पाती, और ये एक ये प्रॉब्लम है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा यूरिन जो है लीकेज हो जाता है, तो जतन नमक तो मैंने मंगवा लिया, ऑर्डर कर दिया है जी। तो इनके लिए क्या करूं मैं, और उसके लिए बताओ सर मुझे। और दूसरी बात ये है कि सर मैं ना चल भी नहीं पाती, मेरी को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, पैरों में बहुत दर्द है और नसें नीली नीली बहुत मेरे दर्द करती हैं, दिखती हैं ये। दस मिनट भी खड़े नहीं हो पाती सर, मेरे को ये बता दो कि मैं और क्या लूं। और मैंने 10 साल पहले आपकी टी केयर खाई थी, मेरा शोल्डर नहीं उठता था, शोल्डर नहीं उठता था, मैं 10 साल पहले खाई थी, वो शोल्डर अब तक ठीक है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक ठाक हो गया, 8 डिब्बे खाए थे मैंने, ठीक है सर। तो सर मैं अब इसके नसों के लिए और पैरों के दर्द के लिए और जो यूरिन मेरा लीक हो जाता है उसके लिए मैं क्या अपनाऊं जिससे कि मैं ठीक हो जाऊं, और जैतून का सिरका जो आपने पेट के लिए फैटी लीवर के लिए बताया था वो तो मैंने ऑर्डर कर दिया, इसके लिए बता दो मुझे, ये पैरों में दर्द और ये नसें दर्द करती हैं और यूरिन मेरा लीकेज हो जाता है, क्या मैं टीकेर लूं या कोई और नुस्खा लूं। ठीक है मैम जी। देखिए 10 साल पहले टीकेर खाया था और ये टी केयर ही करना है आपको, कम से कम एक टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम खाने के बाद दूध या पानी से टी केयर इस्तेमाल करें, ये आपके नसों और जोड़ों का इलाज है, ये कंधे का भी इलाज है, ये घुटनों का भी इलाज है, ये नसों का भी इलाज है, तो आप ये तो लेना शुरू कर दें। लेकिन पेशाब की लीकेज के लिए एक आता है गोंद चिलगोजा, चिलगोजा एक ड्राई फ्रूट है, उसका गम है गोंद, एक चुटकी गोंद चिलगोजा रोजाना बस एक बार खा के पानी पी लिया करिए, ये पेशाब जो रुकता नहीं है, लीकेज होता है, बार बार आता है, कंट्रोल नहीं होता है, इनके लिए एक अच्छा रॉ मटेरियल है। जो भी रॉ मटेरियल बताऊं, लेना असली, तभी आपको फायदा मुमकिन है जी। दिल्ली से हैं सुनीता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। जी नमस्कार मैम। डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहती हूँ, सरिता जी मेरे हस्बैंड के ना शुगर है और उनके पिंडियों में जख्म हो रहे हैं, वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, कैसे ठीक होंगे? उम्र कितनी है उनकी? 50 साल है जी। पिंडलियों में कैसे जख्म है? जख्म है जी, उनको ठीक नहीं हो पा रहे, रोज पटिया भी हो रही है जी उनकी। ठीक जी जी। देखिए जो भी इलाज कर रहे हैं और पट्टियां तो रोज होनी ही चाहिए, रोज पट्टी करें और जो दवाइयां उनको दे रहे हैं वो देते रहें। गोंद जामुन, जामुन का गोंद एक चुटकी सुबह एक चुटकी शाम पानी से खिला दिया करें, और बाकी आप जो कर रहे हैं वो करते रहें, बहुत जल्द उनको फायदा होना मुमकिन है। इंदर जी स्वागत है आपका। सर मैं छिंदा कुमार बोल रहा हूँ, इंद्रजीत नहीं, छिंदा कुमार नाम है मेरा। छिंदर, छिंदा, छिंदा CHINDA छिंदा जी। सर माफ कीजिएगा, बताएं सवाल करें जल्दी से। सर मेरी ना हकीम साहब से बात हो रही है जी, बात हो रही है। सर मेरे को ना पहले तो मेरे को अस्थमे की प्रॉब्लम थी सर, दो मेरे को 20 साल हो गए अस्थमे की प्रॉब्लम होते हुए, तो उसके बाद मेरे को पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई और 2020 में मेरे को पेसमेकर लगा हार्ट में, हार्ट में पेसमेकर लगाया मुझे, अब मुझे पेसमेकर भी लगाया, मेरे को पाइल्स की भी दिक्कत थी, और अब मेरी मैंने ऑपरेशन तो करा लिया, उसका पेसमेकर लग गया, तो मेरी आंख से चिट्टा मोती आ गया अब मेरी आंख में, 2 जनवरी से मेरे को पता लगाया। तो इसके लिए इलाज क्या करा जाए सर? उम्र कितनी है आपकी? मेरी 46 साल एज होगी है। ठीक है सर जी। देखिए बहुत कम उम्र में ये रोग आपको हुआ है, बहुत ख्याल रखा करिए, इस उम्र में इतने सारे रोग होते नहीं हैं। और देखिए देखिए ये जो अस्थमा के रोगियों को स्टेरॉइड जो दिया जाता है उसके हवाले से ये दूसरे रोग
होने लगते हैं, तो वो आपकी ज़रूरत है, वो आप ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा लीजिए कि वो दवा आपको नुकसान देना बंद कर दे। तो एक चुटकी में जितना नमक जैतून आए पानी में मिलाकर रोज़ाना दो बार ये पानी पी लिया करें, और जो इलाज कर रहे हैं वही करते रहें, तभी आपको फ़ायदा रहेगा।